गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर नंबर 5, द डंकी एंड द कनिंग फॉक्स. ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो लेट्स रीड इट. वंस देयर लिव्ड अ फुलिश डंकी इन अ टाउन. द टाउन वाज सिचुएटेड नियर अ फॉरेस्ट. देयर इन द फॉरेस्ट लिव्ड किंग लॉयन एंड हिज मिनिस्टर अ कनिंग फॉक्स. तो जो डंकी था वो एक टाउन में रहता था और वो टाउन एक फॉरेस्ट के पास था. और उस फॉरेस्ट में कौन कौन था? एक किंग था लॉयन और उसका एक मिनिस्टर. ओके, फॉक्स, दैट वाज अ कनिंग फॉक्स. कनिंग मींस क्लेवर. वंस किंग लॉयन वाज बैडली वाउंडेड इन अ फियर्स फाइटिंग विद एन एलिफेंट. ही बिकेम अनेबल टू हंट फॉर हिज प्रे, सो ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर द कनिंग फॉक्स टू ब्रिंग सम गुड मील फॉर हिम. तो एक बार क्या हुआ, एक फाइटिंग हुई थी एलिफेंट के साथ. उस फाइटिंग में लॉयन थोड़ा सा इंजर्ड हो गया और वो प्रे करने में, प्रे मींस शिकार करने में असमर्थ हो गया. तो उसने क्या कहा, कनिंग फॉक्स से उसने क्या कहा कि जाओ मेरे लिए कुछ मील का इंतजाम करो, अरेंज फॉर अ मील फॉर मी. एज द फॉक्स यूज्ड टू शेयर द प्रे विच किंग लॉयन हंटेड फॉर हिज मील्स, ही एट वंस सेट आउट टू सर्च फॉर फूड. तो जो कनिंग फॉक्स था वो क्या करता था, जो किंग लॉयन जो मील लेके आता था वो उसको शेयर भी करता था, उसको भी खाने को मिलता था. तो वो उसने क्या किया, वो रेडी हो गया उसके लिए मील ढूंढने के लिए. ओके, after that what happened, while wandering means ghoomte samay, while wandering here and there the fox met a donkey. The donkey looked foolish, nervous and hungry. To usne ek donkey dekha aur donkey usko kaisa lag raha tha, foolish matlab bewakoof sa aur thoda dara hua aur thoda sa bhooka bhi. The fox asked him, hello, you seem to be new to this forest, where do you actually come from? To usne donkey se pucha, kahan se aaye ho tum? To donkey kya bolta hai, I come from the nearby town, said the donkey. My master, the dhobi, makes me work all the day but doesn't feed me properly. So I have left my home to find a better place to live in and eat properly. तो उसने क्या बताया fox को कि मैं यहीं पास में एक शहर से आया हूँ, वहाँ पे क्या है कि मेरा एक master है, वो धोबी है. धोबी means washerman, कपड़े धोने वाला, और वो मुझसे सारा दिन काम कराता है लेकिन मुझको खाने को नहीं देता है. तो मैं I have come in search of food. I see, said the fox. Don't worry, I am a senior minister in this forest kingdom. Come with me to the king's palace. Our king needs a bodyguard who has the experience of town life. You will live in the palace and eat a lot of green grass growing around you. तो उसने क्या कहा डंकी से कि किंग के पैलेस में चलो मेरे साथ, वहाँ पे एक जॉब है. किंग को जरूरत है किसकी, एक बॉडीगार्ड की. ओके, पैलेस बॉडीगार्ड की जो एक्सपीरियंस्ड हो. तो वहाँ पे क्या होगा, तुम पैलेस में रहना, वहाँ पे बहुत सारी ग्रास वगैरह होगी, वो तुम खाते रहना और तुम वहाँ खुश रहोगे. द डंकी वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन ऑल दिस फ्रॉम द मिनिस्टर फॉक्स ऑफ द फॉरेस्ट किंगडम. ही प्रोसीडेड विद हिम टू द रॉयल पैलेस. तो इतना सुनकर क्या हुआ, डंकी उसके साथ चलने लगा. सीइंग अ डंकी बिफोर हिम द किंग लॉयन बिकेम हाईली इम्पेशेंट एंड पाउंस्ड अपॉन हिम इमीडिएटली. तो क्योंकि वो जो किंग था लॉयन, वो काफी दिनों से भूखा था, इट वॉज हंग्री फॉर मेनी डेज. तो उसने क्या किया, वो काफी इम्पेशेंट हो गया, मींस मतलब उसने उसका धैर्य जो है वो जवाब दे गया. उसने डंकी को देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, धैर्य उसका खो गया और उसने एकदम से पाउंस मींस जंप किया, उसने हमला किया एकदम से डंकी के ऊपर. बट ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्स्टेंट हंगर द किंग लॉयन हैड गॉन वीक. लेकिन वो थोड़ा सा वीक हो गया था क्योंकि बिकॉज इट वॉज हंग्री फॉर मेनी डेज. ही कुडंट ओवर पावर द डंकी. द डंकी फ्रीड हिमसेल्फ एंड रैन फॉर हिज लाइफ. तो जब उसने डंकी को ठीक से नहीं प्रे कर पाया, शिकार उसका ढंग से नहीं कर पाया, ठीक से उसको पकड़ नहीं पाया, तो वो डंकी जो है इट रैन अवे फ्रॉम द कैच ऑफ लॉयन. ओके, योर मेजेस्टी, सेड द फॉक्स टू द किंग लॉयन, यू शुडंट हैव एक्टेड इन सच हेस्ट, यू हैव स्केयर्ड योर प्रे. तो फॉक्स ने क्या बोला कि आपको इतनी जल्दी से हमला नहीं करना चाहिए था, आपको इतनी जल्दी में नहीं करना चाहिए था, आपने अपने शिकार को डरा दिया, स्केयर कर दिया, एंड नाउ इट हैज रन अवे. आई एम सॉरी, सेड द किंग लॉयन, ट्राई टू ब्रिंग हिम हियर वंस अगेन. तो किंग लॉयन ने उससे क्या कहा कि ऐसा करो, कोशिश करो उसको फिर से यहाँ पे लेके आओ. आई एम सॉरी, मैं बहुत भूखा था और मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने उसको अटैक कर दिया, लेकिन अब वो भाग गया, तो कोशिश करो उसको एक बार फिर से यहाँ लाने की. ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, The hungry fox went again to the donkey and said to him, "What a funny fellow you are! Why did you run away like that?" तो फॉक्स ने डंकी से क्या कहा कि तुम मतलब कितने फनी हो, कितने मजाकी हो, और तुम इस तरह से भागे क्यों वहां से. तो डंकी ने बोला, "Why shouldn't I?" आस्क्ड द डंकी, मैं मतलब क्यों नहीं भागना चाहिए था मुझे वहां से, मुझ पर अटैक हुआ था, लॉयन ने अटैक किया था, तो मुझको भागना चाहिए था वहां से. माई डियर, सेड द फॉक्स, यू आर बींग टेस्टेड फॉर योर अलर्टनेस एज अ रॉयल बॉडी गार्ड ऑफ द किंग.
थैंक गॉड यू शोड अ क्विक रिफ्लेक्स अदरवाइज यू वुड हैव बीन रिजेक्टेड फॉर द जॉब। तो अब जो कनिंग फॉक्स था उसने क्या चालाकी उसके साथ चली, उसने क्या चालाक बात उसको बोली कि तुमको तो टेस्ट किया जा रहा था तुम्हारी अलर्टनेस के लिए, क्योंकि अब तुमको जॉब मिलेगी, जॉब में तुमको पैलेस का बॉडीगार्ड बनना है, तो पैलेस का जो बॉडीगार्ड होता है उसको तो अलर्ट होना चाहिए, तो किंग लॉयन जो है वो तुमको टेस्ट कर रहे थे तुम्हारी अलर्टनेस के लिए, अगर तुम एकदम से नहीं भागते वहां से इतना जल्दी फ्री होके नहीं भागते तो तुम्हें जॉब नहीं मिलती, तो अब लॉयन जो किंग है ना उन्होंने तुमको फिर से बुलाया है ओके तुम्हारी अलर्टनेस को टेस्ट करके। द डंकी बिलीव्ड व्हाट द फॉक्स सेड एंड अकंपनीड हिम वंस अगेन टू द पैलेस। तो इतना सुन के डंकी क्या हुआ उसके साथ फिर से चलने लगा। देयर एट द पैलेस द किंग लॉयन वॉज हाइडिंग बिहाइंड द थिक बुशेस, एज सून एज द डंकी पास्ड बाय द बुशेस द लॉयन पाउंस्ड अपॉन हिम एंड किल्ड हिम इंस्टेंटली। तो जैसे ही वो बुशेस के पीछे छुप गया था लॉयन, जैसे ही डंकी वहां पे आया तो लॉयन ने क्या किया अच्छे से अटैक करके उसको किल कर दिया। Just when the lion was about to eat the donkey, the fox said, "Your Majesty, you are going to have your meals after quite few days. It's better you first take a bath and offer prayers." तो अब cunning fox था, fox तो बहुत cunning होता है, चालाक होता है, तो उसने कुछ सोच रखा होगा, तो उसने क्या बोला कि आप बहुत दिनों बाद खाना खा रहे हो तो आप ऐसा करो ना पहले बात कर लो, प्रेयर वेयर कर लो, उसके बाद अपना खाना खाना। तो lion बोलता है The king lion roared and said to the fox, "Stay here, I'll be back right now." तुम यही रुको मैं अभी वापस आता हूँ। द लॉयन वेंट टू टेक बाथ एंड ऑफर हिज प्रेयर्स इन द मीन टाइम द फॉक्स एट द डंकीज ब्रेन। व्हेन द किंग लॉयन केम बैक टू ईट हिज प्रे ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट द डंकीज ब्रेन वाज मिसिंग। तो जितनी देर में लॉयन बाथिंग करने और प्रेयर करने गया उतनी देर में कनिंग जो फॉक्स था, चालाक जो लोमड़ी थी, उसने क्या किया डंकी का जो ब्रेन था वो उसने खा लिया ओके। तो अब लॉयन ने देखा कि उसका जो ब्रेन है वो मिसिंग है ओके। तो वो बोलता है वेयर इज डंकीज ब्रेन। द किंग लॉयन रोड इन ग्रेट एंगर द डंकीज ब्रेन द फियर द फॉक्स एक्सप्रेस इज सरप्राइज। सरप्राइज होके फॉक्स ने बोला योर मेजेस्टी यू आर फुली अवेयर द डंकीज डोंट हैव एनी ब्रेन डोंट हैव अ ब्रेन हैड दैट डंकी एवर हैड अ ब्रेन ही वुड नेवर हैव कम विद मी टू दिस पैलेस फॉर द सेकेंड टाइम। मीन्स आपको अच्छी तरह से पता है डंकीज के पास ब्रेन नहीं होता है। अगर डंकी के पास ब्रेन होता, अगर उस डंकी के पास ब्रेन होता तो वो मेरे साथ दोबारा कभी यहाँ पे आया ही नहीं होता पैलेस में ओके। हैड दैट डंकी एवर हैड अ ब्रेन मीन्स उस डंकी के पास अगर ब्रेन होता तो ही वुड नेवर हैव कम विद मी, वो मेरे साथ आता ही नहीं दोबारा। Yes, agreed the king lion, that's the point. And he started eating happily the rest of the flesh and of the dead donkey. So, this story is basically about focusing about the cunning fox. Jo fox tha, usne kya kiya? Usne donkey ko bhi bewakoof banaya aur usne lion ko bhi foolish.